मुझे दिव्य सर से मिलना है। आज हम बनाने वाले हैं रोस्ट बीफ वेजिटेबल पिज्ज़ा। ये स्काई डेक का बहुत ही स्पेशल पिज्ज़ा है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको और सबसे ज़्यादा सेल में माना जाता है हमारे। ये हमारे पास बेस पैलेस रेडी है, इसको हम अपने आपके सामने बनाएंगे। ये हमने रेड सॉस हमारे यहाँ बनाई हुई है, हम बाहर से भी मंगाते अपने यहाँ बनाते हैं। ये रेड सॉस पिज्ज़ा टॉपिंग वाली, इसमें क्या क्या डालते हैं आप इस टॉपिंग में? हम टमाटो को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसकी प्यूरी बनाते हैं। प्यूरी में हम गार्लिक का तड़का देते हैं बराबर, और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और रोजमेरी डालते हैं और उसको कम से कम हाफ एन आवर पकाते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये थिकनेस पे आ जाती है, उसका टेस्ट जो हल्का सा टैंगी और स्पाइसी रहता है। ओके, इसको हम पूरा स्प्रेड कर देते हैं। ये है ब्लेंड चीज़, इटालियन चीज़ जो आती है। ओके, इसको हम थोड़ा स्प्रेड करेंगे। इसको इससे क्या है कि हम मोजरेला चीज़ जो डालेंगे वो अच्छे से इसको पकड़ करेंगे। अच्छा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है? जी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये हमारे पास मोजरेला चीज़ है, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाती है। इसको हम कम लेगा ये रोस्टेड वेजिटेबल है, इसमें okay. ब्रोकली, बेल पेपर, जुकनी येलो, बाकी सब हमारे पास मशरूम वगैरह सब हैं। अच्छा, ये हमने पहले से रोस्ट करके रखी हुई है। ओके, इसमें रोस्ट करने के लिए हम हल्का सा गार्लिक डालते हैं और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और सारी मसाले डालते हैं जो इटालियन मसाले होते हैं। बहुत ही कलरफुल है जी, एकदम फ्रेश वेजिटेबल। इसको हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करते, ज़्यादा रोस्ट करने से क्या है इसका पानी निकल जाता है, फिर क्रंच नहीं रहता सब्जी। हल्का हल्का रोस्ट करके इसको रख देते हैं। ये ब्लैक ऑलिव है, इसमें ग्रीन ऑलिव भी डाल सकते हैं हम? जी जी, ग्रीन ऑलिव आपके ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल सकते हैं ब्लैक ऑलिव। एलिफिनोस भी डाल सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, वो अपने फ्लेवर के हिसाब से जो स्पाइसी पसंद करता है वो एलिफिनो डाल सकता है, और टबेस्को भी डाल सकते हैं। और हमारे इटालियन मसाले हैं सारे, इसको हम हल्का हल्का ऊपर से स्प्रेड करेंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर माइक्रो ओवन के अंदर अच्छे से आ सके। चिली फ्लेक्स जी पहले से हमने डाला हुआ है, लेकिन हल्का सा डालते हैं क्योंकि लोगों को स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ओरिगानो, थाइम, रोजमेरी, हल्का सा सॉल्ट। ये हमारा रेडी है, 10 मिनट के अंदर अच्छे से रोस्ट हो गए, तैयार हो जाएगा। ओके, ये कितने डिग्री लगता है इसमें? ये हमारा अपर डिग्री रहेगा आपका 250 से 300 डिग्री, और नीचे का भी 200 डिग्री रहेगा। इससे नीचे ज़्यादा पहले से सिका हुआ था, नीचे क्रंच होता है, और नीचे का हम कम ही रखेंगे। होम किचन के लिए? होम किचन के लिए आपका 180 डिग्री पे 25 मिनट्स में। अभी हम पास्ता पिज़्ज़ा बनाने के लिए उसका पास्ता रेडी करेंगे।
और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे हमने रोस्ट वेजिटेबल बनाया था। और अभी हम बनाते हैं पास्ता पिज्ज़ा के लिए। पास्ता पिज्ज़ा के लिए क्या क्या चाहिए? पास्ता पिज्ज़ा के लिए हमें चाहिए गार्लिक, थोड़ा बटर और हल्का क्रीम, और बाकी रेड सॉस टॉपिंग के लिए, और बेल पेपर्स डाइस कटिंग। ओके, और हमारा पास्ता रेडी है। ये हमारा पास्ता पैन रेडी है, पैने पास्ता करीब 1 टीस्पून बटर, अच्छे से इनको गर्म होने देंगे। ये गार्लिक चॉप करके रखा हुआ हमने। ये गार्लिक कितना डाला आपने? मतलब 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का रोस्ट करना है। हमारे कटिंग पहले से ही रेडी है, बेल पेपर, चुटनी, मशरूम और पैने पास्ता बॉयल है हमारे पास पहले से। वाइट पेपर, ऑरिगेनो, थाइम, रोजमेरी, थोड़ा सा सॉल्ट, रेड सॉस 2 टेबलस्पून, यस, थोड़ा सा क्रीम, वन टेबल स्पून क्रीम। ओके, क्या बना रहे हैं? ये हम व्हाइट सॉस पास्ता बना है, पैने अल्फ्रेडो उसको बोलते हैं। जैसे पहले आपने गार्लिक डाला था वेजिटेबल से, ये हमने पहले ऐसे हमने गार्लिक डाला था, बटर डाला था और वेजिटेबल डाली थी, सेम प्रोसेस वही है। बस इसमें हमको व्हाइट सॉस थोड़ा ऐड करना है। ओके, और अल्फ्रेडो मतलब व्हाइट सॉस। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रह गए जो कि पूरा पोर्शन में। सारे मसाले वही सेम रहेंगे। सिर्फ चिली फ्लेक्स हमको नहीं डालना है क्योंकि चिली फ्लेक्स से रेडनेस आ जाती है। ओके, तो हमें अल्फ्रेडो में रेडनेस नहीं चाहिए। स्पाइसेस सेम रहेंगे? यस, स्पाइसेस सेम रहेंगे। स्पाइसेस के लिए हमें व्हाइट पेपर डालते हैं। ओके, इसमें व्हाइट क्रीम ज्यादा डालनी होती है? जी, ये हमारी यहाँ की बनी हुई व्हाइट सॉस है। ओके, और यही बनाते हैं। इसमें कौन भी डाल सकते हैं? जी, आपके अपनी मर्जी से आप कुछ भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, ये 1 टेबल स्पून क्रीम डालेगी। हल्का सा शुगर इसमें ऐड करेंगे स्वीटनेस के लिए। स्वीटनेस के लिए बहुत कम। पिंच ऑफ? या पिंच ऑफ। ब्लैक ऑलिव से इसकी गार्निशिंग करेंगे। आपके पास ग्रीन ऑलिव हो कुछ भी डाल सकते हैं, पार्सले हो पार्सले डाल सकते हैं। ये सी स्लाइस है हमारे पास, चीज़ आपके पास कोई भी हो, प्रोसेस चीज़ हो, स्लाइस चीज़ हो, डाल सकते हैं। ये हमारा पास्ता बन के रेडी है, पैने अल्फ्रेडो। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। पिंक सॉस पास्ता बहुत फेमस है और बहुत यूनिक है। जी जी, पिंक सॉस पास्ता बहुत दिखता है यहाँ पे। अच्छा, और बाकी सब सेम रहेगा, गार्लिक, वेजिटेबल, बटर। ओके, बाकी सब सेम है। बस इसमें क्या है, लास्ट में जो हमारे पास दोनों सॉसेज हैं, रेड और वाइट,
okay. उनको मिक्स करके हम बनाते हैं. अच्छा, उसको कॉम्बो कर देते हैं. या और हल्का सा स्पाइसी रहेगा. ओके, दोनों फ्लेवर सेम रहेंगे, स्पाइसी टैंगी और सॉल्ट, ये तीनों सेम रहेंगे. ओके, अल्फ्रेडो में हम हल्का स्वीट रखते हैं और रेड में थोड़ा स्पाइसी रखते हैं, लेकिन इसमें दोनों फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं, खट्टा मीठा जैसे हमारे इंडियन चाट में होता है. जी जी जी. अब ये पिंक सॉस, ये पिंक सॉस पास्ता रेडी है, इसमें भी सेम गार्निश रहेगी. ओके, पास्ता पिज्जा बना रहे हैं. पास्ता पिज्जा बनाने के लिए हमने पहले से पास्ता बना के रखा हुआ है. सेम वैसे करने के बाद में इसके ऊपर में हमने जो पास्ता बनाया था उसको स्प्रेड करना है. यस यस, हमने पहले से पिंक सॉस पास्ता बना के रखा हुआ था, इसको हम हल्का हल्का सब जगह लगा देंगे. साथ में वेजिटेबल भी लगानी था कि हल्का खाने में क्रंच आए. इसे हम पनीर भी ऐड कर सकते हैं. जी, पनीर ऐड कर सकते हैं आप, और वेजिटेबल में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. बीन्स है, गोभी है, ब्रोकली है, कुछ भी ऐड कर सकते. पास्ता पिज्जा हमारा बनके रेडी है. आपसे मिलेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे आपसे.